स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सूरत भोई कृष्णा में। दोस्तों रेलवे से जुड़ी किसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए आप सूरत भोई कृष्णा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फ्रेंड आज का ये वीडियो सभी रेल यात्रियों के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है और सभी रेल यात्रियों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा ये वीडियो पूरा जरूर देखें। तो फाइनली फ्रेंड अब आपका इंतजार होने वाला है खत। बहुत समय से बहुत रेल यात्री ये इंतजार में बैठे हुए हैं कि तत्काल टिकट बुकिंग, किसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है। तो फ्रेंड रेलवे बोली कि आप थोड़ा हमें टाइम दो, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर दिया जाएगा। अब एक्चुअली में दोस्तों प्रॉब्लम आती क्यों है वो चीज़ें दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो फ्रेंड रेलवे कहना है कि अभी इस समय हमने 1 मिनट के अंदर 25,000 PNR जनरेट हो चुके, इतने ही हमारे सिस्टम ले रहे हैं। मतलब उनका कहने का मतलब ये है कि भाई आप कितनी भी ID एक्टिवेट कर लो लेकिन 1 मिनट के अंदर 25,000 से ज़्यादा PNR नहीं जनरेट हो पाएगा। लेकिन तत्काल 11 बजे का कुछ ऐसा टाइम है जिसमें 5-5, 6-6, 10-10 लाख यूजर आईडिया एक एक साथ कनेक्ट होती हैं, जिसकी वजह से सर्वर पे बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है और यहाँ पे किसी का टिकट जल्दी बुक हो जाता है और किसी का लेट बुक होता है और सर्वर डाउन हो जाता है और लॉग आउट की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो रेलवे ने बोला कि आज के समय में ज़्यादातर टिकटें 90% डिजिटल बुक हो रही है, इसकी वजह से सितंबर अक्टूबर तक हम इसकी कैपेसिटी बढ़ा देंगे। मतलब 1.5 लाख के आसपास और 2.5 लाख तक दोस्तों हम इसकी कैपेसिटी करने वाले हैं। मतलब 1 मिनट के अंदर अब इतने PNR जनरेट हो पाएंगे। मतलब दोस्तों अब 1 मिनट के अंदर 2.5 लाख टिकट अगर बुक होंगे तो सिंपल सी बात है कि जो आई वेबसाइट पर इतनी प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो फ्रेंड बहुत अच्छी अपडेट है रेलवे की तरफ से। थोड़ा दोस्तों जो बहुत से रेल यात्री बोल रहे हैं सर प्रॉब्लम क्यों हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, सर्वर क्यों डाउन हो रहा है, तो फ्रेंड सबसे मेन रीज़न एक्चुअल में इसका यही है कि ज़्यादातर जो रेल यात्री हैं वो तत्काल के भरोसे बैठे रहते हैं। उनको पहले से बहुत अच्छे से पता रहता है कि तत्काल टिकट नहीं मिल रहा है, फिर भी वो तत्काल टिकट के भरोसे बैठे रहते हैं। और ऐसे में दोस्तों अलग अलग जगह वो ट्राई करवाते हैं, खुद भी कभी ट्राई करते हैं और एक साथ ज़्यादा लोड पड़ने की वजह से सर्वर यहाँ डाउन हो जाता है। तो रेलवे इसकी कैपेसिटी बढ़ा रही है, ट्रेन टिकट बुकिंग की कैपेसिटी बढ़ा रही है ताकि 1 मिनट के अंदर 2.5 लाख PNR अगर जनरेट होंगे तो जो IRCTC की वेबसाइट पर 11 बजे का जो क्राउड वाला सिस्टम है थोड़ा कम हो जाएगा। मतलब 1 मिनट के अंदर अगर 2.5 लाख PNR जनरेट होने लगेंगे तो जो IRCTC की वेबसाइट में प्रॉब्लम आ रही है, जो एप्लीकेशन पे प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो फ्रेंड आज की इस वीडियो में आपको बस छोटी सी अपडेट देने वाले थे। बहुत से रेल यात्री यही जानना चाहते थे कि एक्चुअली में प्रॉब्लम क्यों आ रही है, इसका सोल्यूशन क्या है। इसका सोल्यूशन दोस्तों आपको मिलेगा अगस्त सितंबर तक। रेलवे ने बोला वो अपने हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और जो भी उसकी सभी चीज़ें वो अपडेट करेगी, अपग्रेड करेगी, इसमें बहुत सारे नए फीचर्स जोड़ेगी और भारी मात्रा में सर्वर जोड़ेगी और कैपेसिटी बढ़ाएगी। मेन इसका कैपेसिटी है, कैपेसिटी अगर बढ़ जाएगा तो जो इतनी प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। तो बस दोस्तों छोटी सी अपडेट, थोड़ा वेट कर लीजिए। रेलवे सब कुछ उसको पता चल चुका है कि 11 बजे तत्काल टिकट बुकिंग के समय नॉर्मल रेल यात्रियों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। रेलवे को बहुत अच्छे से पता है क्योंकि ट्विटर पे बहुत ज़्यादा लोग ट्वीट करके बताए हैं कि सर आपकी साइट 3-3 मिनट बाद खुल रही है। तो रेलवे दोस्तों बीच बीच में अपडेट तो देती रहती बट उसकी कैपेसिटी कम होने की वजह से वो मार खा जाती है। तो वही रेलवे ने नियम लिया कि हम इसकी कैपेसिटी बढ़ाएंगे। उसका सोल्यूशन यही है दोस्तों कि जब तक उसकी कैपेसिटी नहीं बढ़ाई जाएगी तब तक उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिल जाएगा। तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने साफ साफ बोल दिया कि सितंबर अक्टूबर तक इसकी कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी और फिर जो ऑनलाइन डिजिटल टिकट बुकिंग का सिस्टम है इसको हम और बढ़ावा देंगे। और हम सभी रेल यात्रियों से निवेदन करेंगे कि ज़्यादातर लोग अपना समय बचाएं और घर बैठे खुद से ट्रेन टिकट बुक करें। तो ऐसा दोस्तों रेल मंत्री ने बोला है और जो तत्काल टिकट बुकिंग के टाइम ज़्यादातर प्रॉब्लम आ रही है उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहिए।